चलो और भी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आप आओ सर सारे हमारे सर सर श्री आगे आगे आज सुबह हमारे पास पुलिस स्टेशन गरोटा में जो सबके पास दो कॉल्स आई एक सुचा मजदूरों की और रिश्तेदारी पंजाब से है गुरदासपुर से है और एक जो है ब्रिज चल ये इनके घर और रिश्तेदारी रामपन में है बट इस वक्त जो है ये गंगर मोड़ के पास यहाँ स्टे कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तो इन्होंने एक SOS कॉल की पुलिस को कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है हमारी जो है गलती है तो उसके चलते ही जो हमारी सिविल सोसाइटी है यहाँ पे सरपंच साहब हैं इनके साथ इन्होंने लाइजनिंग की फिर हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकॉर्डिंग की इसके बारे में बताया गया और उसके चलते जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे आके ऑन ग्राउंड इंक्वायरी की गई पुलिस द्वारा तो हमें पता चला कि और भी काफ़ी सारी ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास है अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स सिविल सोसाइटी के जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और हमने एक प्रॉपर सेट बनाया जिसमें 5 kg आपका आटा 5 kg आपके चावल तेल सब्जी नमक गंदे वगैरह जितने भी जरूरी आइटम्स हैं जिससे मिनिमम खाना जो है वो पकाया जा सके तो जे एंड के पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव जैसे कि आप इस टाइम जानते ही हैं वो चलाई है वी केयर हुई उसके तहत मेरे को भी फिर इन्होंने बताया फोन करके कि ऐसे ऐसे है तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आई उसका जो राशन हुआ उसकी जो पैकेजिंग की गई कि जैसे आपने देखा सारा जो यहाँ पर चल रही थी और ये सारी प्रोसेस अभी जब मैंने विज कर देखी 400 फैमिलीज जो है उसकी लिस्ट बनाई गई पंचायत वाइज और ये प्रोसेस यहाँ के अंदर मोड़ से शुरू हुआ है और ये आगे हमारे एरियाज हैं और जो एरियाज हैं जहाँ जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आई है तो वो पूरी प्रॉपर लिस्ट उसमें आदमी का नाम कब से कब पे रह रहा है और ओरिजिनल वो कहाँ से वो सारी चीज़ें काम की गई तो मैं आपके माध्यम से सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये अपील की है जनता से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए पर्सनल हाइजीन के ऊपर ध्यान दीजिए अपने अपने घरों में जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील का पालन करें जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप उनके साथ कोऑपरेट करें जितना भी हो सके मिनिमम आप घर से बाहर निकलें ताकि सोशल कॉन्टैक्ट सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की जा सके इसके साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति में अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो भी आप इमीडिएटली नियरेस्ट जो हमारा PHC है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपनी जांच करवाइए जो टोल फ्री नंबर्स इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट ने चला रखे हैं आप पुलिस को बताएं आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं और भी जो इट इज सोशल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब लोगों को आगे आना है आगे आने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने अपने घरों में रहें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जो आपके साथ के जो लोग हैं उनको भी आप समझाएं कि आपने बाहर नहीं आना है बट टेलीफोनिकली किसी के पास जाने की आपको